आइए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, और इसमें ये जो वायर, इसमें नेग्लिजिबल रही, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है आर आर, और यहाँ भी आर दिया हुआ है, और दो टर्मिनल दिए हुए हैं, इनके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये इक्विपोटेंशियल का प्रॉब्लम है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो है, ये देखिए ये जो पॉइंट है आपका, ठीक ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक ना, ठीक है, वो यही है, सेम टू सेम है। उसी तरह से ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है सेम पोटेंशियल पे है, ठीक ना। तो ये किसका प्रॉब्लम है, ये इक्वी पोटेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इसमें बहुत सिंपल सा नेमिंग कर देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट तो एक्स है, ठीक ना, तो ये भी हमारा क्या है, एक्स है, और ये भी पॉइंट हो गया हमारा एक्स। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वाई है, तो ये भी हो जाएगा वाई, और ये भी हो जाएगा हमारा वाई। तो हमारे पास कितने पॉइंट मिले, दो पॉइंट मिले, एक एक्स मिला और एक वाई मिला, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस हमें मिला यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में, इसका वैल्यू कितना है आर। फिर एक और रेजिस्टेंस है देखिए वाई और एक्स के बीच में, ठीक ना, उसका वैल्यू भी कितना है आर। और एक और रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में, उसका वैल्यू भी कितना है आर, ठीक ना। ये दो टर्मिनल मान लीजिए, ये वाई है और ये एक्स है, मैं इस तरह थोड़ा ठीक है इसको कर दिया। अब ये हो गया, देखिए यहाँ तीनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक ना। जब तीनों पैरेलल में है तो क्या हो जाता है, तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, सेम रहता है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, तीन, तो तीन से डिवाइड, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक ना। तो ये इक्विपोटेंशियल का प्रॉब्लम था। इसी तरह से मान लीजिए आपको इस तरह से भी दे सकता है सर्किट कि एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर और है, एक और रजिस्टर है, ठीक है। अब ये जो है यहां से निकालेगा और यहां से रजिस्टेंस यहां लगा दिया, इस पर कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक ना। ये दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। ये भी मान लीजिए वाई है, एक्स है और ये वाई है, इसमें क्या करेंगे आप। तो देखिए इसमें भी उसी तरह से, ये अगर पॉइंट वाई है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, वाई होगा, ठीक ना, सेम पोटेंशियल पे। लेकिन ये जो पॉइंट एक्स है, क्या ये एक्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक ना। तो अब क्या ये सेम पॉइंट तो नहीं रहा, तो इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं, मान लीजिए ये पी दे दिए, ठीक है, इसका नाम हमने पी दे दिया। अब क्या करेंगे कि हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, तो एक पॉइंट ये, एक दो और एक तीन, ठीक है, तीन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट एक्स हो गया, एक पॉइंट वाई हो गया, और एक पॉइंट हम मानिए पी। तो देखिए अब आपको सिंपल सा दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देना है, एक जैसे एक्स है और ये एक वाई है, तो एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस से मिल रहा है, ठीक ना, सबका वैल्यू आर है मान लीजिए, ठीक ना। तो ये देखिए एक आर हो गया ये, फिर पी और वाई के बीच में देखिए एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये भी एक हो गया हमारा आर, फिर पी और वाई के बीच में फिर से एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इसी के पैरेलल में ले आएंगे, ठीक ना, और ये भी हो गया हमारा आर। अब देखिए एक्स और पी के बीच में, एक्स और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला हो गया, एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, ये हो गया। कितने रेजिस्टेंस था, एक दो तीन चार, यहाँ एक दो तीन चार, टोटल रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे कि देखिए हमें
कि दो टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, एक्स और वाई टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए अब करते क्या है, ये जो है और ये जो है ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, तो क्या कर देंगे इसको, इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख दीजिए, ये हमारा टर्मिनल एक्स है और ये हमारा टर्मिनल वाई है। अब इसको भी सेम टू सेम हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं, ये हमारा टर्मिनल पी है। लेकिन अब इसको इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करके कितना आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आर बाई टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ठीक ना। तो इन दोनों को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो आर बाई टू आएगा। अब देखिए इसके इसके अक्रॉस हमको निकालना है, ठीक ना, और इसका वैल्यू कितना है, आर है। तो ये दोनों क्या आ गया, सीरीज में आ गया, ठीक है। देखिए ये दोनों सीरीज में आ गया ना, जब सीरीज में आ गया तो कितना हो जाएगा, तो फिर से इस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्स टर्मिनल, ये हो गया वाई टर्मिनल। अब देखिए इसको इसको हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर, और ये कितना है, आर बाई टू है, ठीक है। तो टू एल सी एम हो गया, तो ये हो गया टू आर प्लस आर, मतलब थ्री आर बाई टू, ठीक है ना। तो ये जो एक और वैल्यू आ गया हमारा रेजिस्टेंस का, ये आ गया हमारा थ्री आर बाई टू और ये है हमारा आर, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। फिर ये सर्किट को रिड्रॉ क्या करना है, तो सॉल्व भी हो गया, पैरेलल में है, ठीक ना। तो थ्री आर बाई टू इंटू आर बटा में थ्री आर बाई टू प्लस आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री आर स्क्वायर बाई टू इंटू थ्री आर प्लस टू आर, ऊपर में जाएगा टू से टू कैंसिल हो गया, थ्री आर स्क्वायर बाई फाइव आर, ओके, एक आर से आर कट गया, तो आ गया आपका थ्री आर बाई फाइव। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के प्रॉब्लम और आपको इसी में क्या इस तरह से भी दे सकता है सर्किट, कि मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये आपका रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू आर है, इसका आर है, इसका आर है, और अब क्या करेगा कि ये इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ से ले गया, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाई टर्मिनल है, ये एक्स टर्मिनल है। अब क्या है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो इक्विपोटेंशियल वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मान लीजिए इसका नाम एक्स है, तो इसका तो एक्स होगा नहीं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है बीच में, इसका भी वैल्यू कितना है, आर है, इसका भी आर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग कर देते हैं नेमिंग, ये एक्स है ना आपका, इसका मान लीजिए पी, ये आपका वाई है, ठीक है, इसका नाम कर दीजिए ए, कोई दिक्कत। अब जैसे यहाँ देखिए नेम एक्स, ठीक है, वाई, यहाँ नाम दे देते हैं पी और यहाँ नाम दे देते हैं ए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से चार टर्मिनल हमें मिल गया, ठीक ना, चार पॉइंट, सॉरी चार पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब देखिए बस बस आपको क्या करना है, हर एक के बीच का रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देना है, जैसे एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, ए है, ठीक है। तो एक्स और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एक्स और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर पी और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, पी और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर वाई और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और फिर पी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तीन दो पाँच,
तीन चार पाँच, ठीक है टोटल ड्रॉ हो गया। ये हमारा टर्मिनल है, दो टर्मिनल, इसी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबका वैल्यू दिया हुआ है आर, सबका वैल्यू कितना दिया है, आर दिया है, ठीक ना। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं क्या, एक मेथड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा। देखिए यहाँ पे जो रेशियो है ठीक ना, आर वन बाई आर टू का वो सेम है, आर वन बाई आर टू, आर आर थ्री बाई आर फोर का रेशियो क्या है, सेम है। तो ये क्या है, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ठीक ना। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसके थ्रू करंट क्या होता है, नहीं फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल है ठीक ना, और यहाँ का जो पोटेंशियल है क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए जो करंट इसमें फ्लो करेगा, मान लीजिए इसमें करंट जो आई वन फ्लो कर रहा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, करंट जब इसमें फ्लो ही नहीं कर रहा तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब जो हमारा सर्किट जो ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से होगा, ये एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और फिर ये एक रेजिस्टेंस, और ये हो गया वाई, और ये हो गया एक्स। इसका वैल्यू भी आर, इसका आर, इसका आर, और इसका आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, और ये दोनों भी क्या आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं कि हमारा ये हो गया 2R, और नीचे में भी आ गया क्या 2R, और ये X और ये Y, तो 2R by आंसर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया इसका R, ठीक ना। तो इस तरह से आपको इक्विपोटेंशियल में प्रॉब्लम मिल सकता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, नेमिंग करना है, पहले नेमिंग कीजिए, फिर उसके बाद दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए, सर्किट को फिर से रीड्रॉ कीजिए, और इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अनबैलेंस सर्किट, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता ठीक ना, रेशियो सेम नहीं आता, जैसे ये जो रेशियो आ रहा है, मान लीजिए यहाँ का आर वन है ठीक है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है। मान लीजिए आर वन इंटू आर थ्री इज नॉट इक्वल टू आर टू इंटू आर फोर होता, तो ये किसका केस हो जाता, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो जाता। और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का जब केस हो जाता तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्टार डेल्टा से ठीक ना, स्टार डेल्टा से सॉल्व करते हैं। आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि स्टार डेल्टा कैसे सॉल्व होता है ठीक ना, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे हम लोग स्टार डेल्टा के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है।